हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ की जो योजना निकाली गई है, जो रिक्रूटमेंट कह सकते हैं आप, इसके अंदर इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, प्लस इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बच्चों, यहाँ पे आपसे 10th पास आउट और 12th दोनों ही मांगी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की भर्ती है, तीनों के अंदर आपके जो सिलेक्शन होगा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th और 12th दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन उठ रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि इसके अंदर एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी बच्चों देखा जाए कि इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला स्टेप आपका ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, रनिंग हो गया, पी हाइट टेस्ट, ये सारे जितने भी टेस्ट होंगे ये करे जाएंगे। उसके बाद आपका कैंपस इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि इसने कहा है कि कोई भी बदलाव नहीं है, तो इसके अंदर आपका जो वो रिटन एग्ज़ाम है बच्चों, वो भी कंडक्ट हो सकता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकली, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम हुआ तो आपके 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, जिसके अंदर 25 25 मार्क्स के चार सेक्शन आपके रहने वाले हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन निकल के आएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि हम नहीं चाहते कंफ्यूज हों, क्योंकि ऑफिशियल सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा अभी नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है। इसलिए बच्चों परेशान मत होइए, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली वीडियोज़ है उसके अंदर अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस, स्टूडेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट बेनिफिट, सैलरी, ये सब क्या रहेंगी, प्लस आवेदन कब से शुरू होंगे, हर साल ये भर्ती निकाली जाएगी या फिर नहीं निकाली जाएगी, इन सब के बारे में। तो आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस इन सबको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसके पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hindiaudience.com। तो इसके लिए आपको बच्चों यहाँ पे गूगल में आना है, यहाँ पे डालना है www.hindiaudience.com। ठीक है, फिर एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हम बता दें आप लोग को कि जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पहला ही आर्टिकल आपको दिखेगा, इस पर एंटर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है, आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये योजना क्या है, योजना को लाने के लिए उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सारे उद्देश्य बता रखे हैं। उसके बाद एज लिमिट क्या है, फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर वैकेंसी हर साल निकाली जाएगी। ठीक है, ये है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ठीक, तो यहाँ पे सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में सब बताया है। फिर आपकी सैलरी आ जाती है, फिर यहाँ पे 4 साल होने के बाद क्या आपको निकाल दिया जाएगा उसके बारे में, कितने प्रतिशत बच्चों को निकाला जाएगा, कितने को परमानेंट किया जाएगा, वो सारी डिटेल है। उसके बाद सरकार आपको क्या देगी, क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। फिर आपके यहाँ देख सकते हैं महिला आवेदन कर सकती हैं कि नहीं, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, इन सब के बारे में हमने बता रखा है। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने बताया कि महिला आवेदन कर पाएंगी कि नहीं, उसके बारे में वीडियो आप देख लीजिएगा। प्लस इसके अलावा बच्चों के सरकार का क्या उद्देश्य है इस योजना को लाने के लिए, उसके बारे में वीडियो है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, इस पूरी योजना के रिगार्डिंग, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।